इसकी खासियत यह है, इसमें जंजीर लगी हुई है, उसमें तावा लटका हुआ है, वो पानी को कंट्रोल करता है। अगर इसको अगर टूट जाए जंजीर या निकाल लिया जाए तावा, तो ये हो सकता है कि अमेठी को पूरा डुबा सकता है। बावलिया कुआं हमारे राजा साहेब रणजीत सिंह का के पुरखों का बनवाया हुआ है, जो कि उनका नाम राजा भगवान भगत सिंह था। राजा साहब के दादा परदादा ने बनाया था, और ये बहुत बड़ा कुआं है। शायद कि हमें लगता है यूपी के अंदर भी इतना बड़ा कुआं नहीं होगा। 18वीं शताब्दी में अमेठी में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। महाराज भगवान भगत सिंह जी राजा थे यहाँ। उन्होंने अपने कोष से बहुत सारा पैसा निकाल करके लोगों के लिए तालाब और बावलिए बनवाए थे, कि लोगों का जब सूखा पड़ा था और जिससे लोगों के पीने का पानी और खेती के लिए भी समस्याएं थी, उसके लिए उस समय उन्होंने बनवाया था बावलिया। उसी लिए आज हम उसको मेंटेन करके रखते। वो बावलिया इतनी चौड़ाई में बनी है और इतनी गहराई में बनी है कि उसमें 7 तावा तक लोग बताते हैं कि पड़ चुका है। और पड़ने के बाद अगर वो तावा निकाल लिया जाए, सकरा लगे हैं, वो बता रहा है सकरा, वो आखिरी स्टेटा तक गया है उसके, जहाँ से पानी की सतह है, तो खतरनाक हो सकता है कि वो बाहर पानी आ सकता है। लेकिन लोगों का कहना है और स्थानीय लोगों का कहना है कि उस कुएं में जो तवे पड़े हुए हैं, उस तवे को अगर निकाल दिया जाए तो शायद अमेठी के ऊपर नहीं, वो तवा इसलिए पड़ा था कि उस समय जहाँ पर बोरिंग जब हुई थी वहाँ पर कुआं बना था, वहाँ पर बहुत अथाह पानी निकला था, उसको कंट्रोल करने के लिए वो तवा लगाया गया। 150 साल पहले का ये कुआं होगा, अंदाजा बता रहा हूँ, शायद और 150 ऊपर होगा, लेकिन 150 साल से कम का नहीं है।